तो हेलो नमस्ते श्रीकाल की हाल चाल दोस्तों, आ चुका आप सभी के लिए हाउस स्लीपर की एक और मजेदार सी वीडियो लेकर। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहां पर हूं, तो भाई ये जो मेरा घर है ये एक्चुअली अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड मेरे लैपटॉप में कर रहा हूं, क्योंकि यार मेरा पीसी थोड़ा सा नहीं भाई खराब हो गया, पूरा ही वो चल नहीं रहा है। और मैं अभी इसी के लिए लैपटॉप पे खेल रहा हूं ये वाला गेम आज वाला। और ये घर मैंने जो है लैपटॉप के अंदर थोड़ा बहुत सेट किया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। ये एकदम जो पहला घर होता है ना, एकदम स्टार्टिंग में मिलता है, ये वही घर है। देखो भाई मैं दिखा देता हूँ, इसमें देखो यहाँ पर फूल पौधे थोड़े से लगा के सेट किए हुए हैं, मस्त लग रहा है एकदम बढ़िया। यहाँ पर भी देखो इस तरफ भी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर पीछे जो आप देख सकते हो एक पॉन्ड लगा, और इसके इधर भी थोड़े थोड़े से फूल लगे हुए हैं। और पीछे की तरफ ये भाई ये रह गई, एक मिनट, यहाँ पर पेंट करने के लिए लगाई थी, ठीक है इसको हटा देते हैं। तो चलो गाइस अंदर जाके दिखा देता हूँ एक बार ये घर के अंदर से क्या हाल है। यहाँ पर देखो इस घर के अंदर भाई ये वही है जो एकदम बेसिक घर होता है ना, स्टार्टिंग में जो मिलता है वही वाला घर है। ये बेड लगा हुआ है, एक मैंने बेड लगा दिया था, रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा टेबल, हालांकि चेयर रखने की जगह नहीं है, बट चेयर मैंने अभी के लिए इधर रखी हुई, जो कि किचन है हमारा, तो मैं इसको इधर रख देता हूँ। यार यहाँ पर काम तो हमें यहीं पर करना होता है। ये हमारी छोटी सी किचन है, यहाँ पर एक फोटो वोटो लगा दी थी। और यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है भाई इसके ऊपर, ये अच्छा ये हमारे किचन के लिए लगाया हुआ है गाइस हमने एक, ठीक है। और यहाँ पर बाथरूम का तो दरवाजा ही नहीं है भाई, एक मिनट रुको, पहले बाथरूम में दरवाजा लगा दें यार, ये तो हमारा भाई इनकम्प्लीट सा हो गया एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक शावर वगैरह लगा रखा है, और बाकी तो भाई आप देख सकते हो ना अंदर का भाई कलर पेंट हमने जो करा था वो ग्रीन एंड ऑरेंज के साथ मिक्स करके किया। तो पहले मुझे बाथरूम का दरवाजा लगाने दो भाई, मैं ये कैसे भूल गया हूँ, ठीक है। डोर में चलते हैं और एक डोर लगा लेते हैं। देखो इसमें हमारी ज़्यादा चीज़ें अनलॉक है नहीं, तो एकदम समझ जाओ तुम थोड़ा सा वैसा रहेगा जब तक मेरा पीसी सही नहीं होता। मेरे पीसी के लिए यार एक बार गेट वेल सून लिख दो भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं ये दरवाज़ा लगा देता हूँ इसके अंदर, ये दरवाज़ा सही रहेगा, क्योंकि ना एक तो यहाँ पर जगह नहीं है खुलने के लिए। भाई इधर लग जाना प्लीज़, लग जा यार, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, लग जा। ये नहीं लगेगा भाई, वो लग गया, बट एक चीज़ की दिक्कत है, ये इस तरफ को ज़्यादा आएगा, फिर उस तरफ को नहीं लगा सकते, ठीक है। नॉर्मल डोर ही लगा देते हैं, फिर स्लाइडिंग डोर रहने देते हैं, स्लाइडिंग डोर काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो बाहर को जा रहा है। अगर तो ऐसा स्लाइडिंग डोर होता कि भाई खुल जाता अच्छे से तो सही बात थी, बट अब वो खुल तो रहा नहीं। ये वाला डोर लगा देते हैं गाइस, ये हमारे देखो इसके साथ मेन डोर के साथ भी थोड़ा सा मैचिंग है, और ये इस तरफ से तो नहीं लगेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे यहाँ पर एक दीवार और लगानी पड़ जाएगी। ये भाई ये खिड़की, एक मिनट, खिड़की नहीं एक्चुअली ये ऐसे आएगा, सेट लग गया, चलो बढ़िया। चलो भाई हमारा ये हो गया, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इस वाले जो गेम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ तो हमें मेल्स आई हुई है जो कि एक जॉब के लिए आई हुई है। मैप ऑफ जॉब में देखेंगे तो हमारे पास हाउस फ्लिपर एंड लग्जरी फ्लिपर दोनों अवेलेबल हैं, और अभी इसमें हमारा पेट वाला तो ओपन है नहीं, तो हम देखते हैं लग्जरी फ्लिपर में हमारे पास कौन कौन सी जॉब है। एक तो ये वाली है, न्यू चैप्टर, ओके, एक तो ये वाली है, उसके अलावा आई थिंक उसके अलावा तो एक कोई भी जॉब नहीं है हमारे पास। एक जॉब थी जो हमने कर दी, आई थिंक ये यॉट वाली, हाँ यॉट वाली हमने करी हुई है। तो ये वाली जॉब मैं देखता हूँ जरा इसके अंदर क्या है। तो गाइस ये वाली जो है वो मैंने ऑफलाइन करके करी हुई है, तो ये हमारी आधी परसेंट मतलब आधी 50% खत्म है, तो ये वाली नहीं करते हम, कुछ स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू करके ही करेंगे। तो हाउस फ्लिपर के अंदर देख लेते हैं हमारे पास कोई अगर ऐसा अनटच काम पड़ा हो, ये वाला जॉब जैसे बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ है, इसके हमें 6500 भी मिलेंगे। उसके अलावा तो कोई जॉब है नहीं, तो यही एक जॉब है, एक काम करते हैं ये वाली जॉब पकड़ते हैं, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या क्या काम हम लोग आज करने वाले हैं। तो गाइस एक बार लाइक वाला बटन सारे बंदे दबा दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना गाइस। लेट्स गो, हम आ चुके हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं घर में, आई थिंक शिफ्ट होने वाले दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है। बजट $6500 का, यूरो कहने वाला था, दो चॉइसेस हैं, सात रूम अपने को इनके करने हैं, सात रूम आई थिंक सब चीज़ें मिला के होगा यहाँ पर बजट है। और यहाँ पर भाई ये कैसा सा घर है भाई, नीचे पार्किंग बनी हुई है, ऊपर तो पहले मैं मुआयना कर लेता हूँ एक बार, घर पूरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर सीन क्या होने वाला है। ये एक बना हुआ है भाई, ये क्या है, ये छोटा सा भाई कमरा एक नीचे बना हुआ है, बाकी सब तो कुछ है नहीं, ठीक है भाई। एक बार ऊपर चल के देखता हूँ, नीचे तो भाई कुछ भी नहीं है, नीचे तो पूरा मतलब ऐसा जैसे पार्किंग होता है ना कि भाई बाइक खड़ी कर ली, कार खड़ी कर ली, वो सब चीज़ें, मगर यहाँ पर समंदर दिख रहा है भाई। ये देखो एक रोड जा रहा है और बस बाजू में इस बीच आ गया और फिर समंदर आ गया, सही है, जगह तो बहुत सही लगी मुझे इनके घर की, ठीक है। यहाँ पर हमें चॉइस बनानी है, और भाई इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पर, इधर भी एक कमरा, इधर भी एक कमरा, ये क्या है भाई, बाथरूम है ये तो, ओ भाई आलिशान टॉप लगा हुआ है भाई, बाथटब वगैरह लगा के बढ़िया बनाया हुआ है, बाथरूम तो सही है, ठीक है। यहाँ पर इनका एक कमरा है जो कि किचन, इधर किचन आ गया, इधर थोड़ा सा डाइनिंग हो गया, एंड यहाँ पर हो गया थोड़ा सा लिविंग, ठीक है। ये मैं समझ में आ गया, एक ही कमरा है क्या, और कुछ नहीं क्या ऊपर, ओके एक और है, यहाँ पर बेडरूम है,
ठीक है, यहाँ पर स्लाइडिंग, भाई बालकनी बहुत सही है, और यहीं से हम लोग नीचे से ऊपर भी आ सकते, दो रास्ते के ऊपर आने के। एक मिनट, मैं ऊपर अभी इधर से आया था ऊपर मैं, आई थिंक यहीं से आया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दो रास्ते ऊपर आने के, एक पीछे की भी साइड की लगाई क्या सीढ़ी इन्होंने? ओ नहीं, पीछे नहीं है, एक ही सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी है भाई, मैंने वहां पर मिस कर दिया। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर देंगे आज इसका ये पूरा का पूरा घर आज हम रेनोवेट करेंगे। मैं उस तरह, अच्छा मैं उस तरह से इधर को आ गया था, तो इधर सामने ही सीढ़ी है, मैं सीधा चला गया था। ठीक है, दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक बेडरूम बना हुआ है, बेडरूम में देखेंगे क्या काम करने वाला है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्या क्या बेचेंगे और क्या क्या नई चीज़ें लगाएंगे। चलो फटाफट से काम पे लग जाते हैं गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ डायरेक्ट, मत चोट ना लगे, नहीं लगी। ठीक है, अब मैं पहले तो भाई पूरा ये कचरा है ना, ये पूरा का पूरा कचरा हटा देता हूँ। ये देखो कचरा बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पर, चलो सही हुआ। यहाँ पर रिमूव ट्रैश करना, मुझे आधा मैंने हटा दिया 50%, मैं फटाफट से पूरा का पूरा ट्रैश हटा देता हूँ पहले। ओके गाइस, तो गार्डन का हमें इन्होंने कुछ भी काम दिया नहीं है, बाकी मैंने जो जो सामान हटाना था वो हटा दिया। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें एक चॉइस बनानी है। तो ये मैडम कह रही है एक सोना एंड अ बाथरूम बनाना है, एबल टू हॉल द सोना आफ्टर स्विमिंग इन द सी। ओ भाई ये कह रही है, इसके तो अलग ही ख्याल आता है कि समंदर में मैं जाऊंगी जब नहाने के लिए, तो समंदर में स्विमिंग करने के बाद मैं इधर आकर सोना ले सकती हूँ, ये बेडरूम बनाना चाहती है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ पर एक काइंड ऑफ गैराज चाहिए, थोड़ा सा वर्कशॉप, मतलब थोड़ा सा जो ऐसा वाला गैराज वाला वर्कशॉप चाहिए इसको, तो हम क्या करें, यहाँ पर सोना वाला आइडिया सही है या ये? यार आई थिंक अपने को ये वाला करना चाहिए, क्योंकि जो बीच वाला है और यहाँ पर नीचे एक सोना रूम होना ही चाहिए। तो ठीक है हम कर देते हैं। अब मुझे शायद ये चीज़ें बेचनी है, तो ये पूरा का सामान अपने को उड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बाथरूम प्लस एक सोना रूम बनाना है अपने को, तो मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ सारी फटाफट। मेरे को उस आदमी के लिए बुरा लग रहा है, वो बेचारा यहाँ पर चाहता था कि एक वो बनाना, क्या बोलते हैं, एक वर्कशॉप वाली वो बनाना चाहता था, मगर हमने उसको पूरे सपनों को तहस नहस कर दिया। बट ये लकड़ी का है भाई, लकड़ी के पे वो चीज़ शायद सही बन जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टाइल लगानी है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने जो टाइल दिया वही टाइल लगानी है, मैं लगा देता हूँ फटाफट। ओके ये तो भाई एकदम जो ईंट वाली होती है ना वो वाली टाइल है। ओके ठीक है, नो इश्यू, यहाँ पर टाइल लग चुकी है। अब देखते हैं अगला क्या है, शॉवर प्लम्बिंग सिस्टम लगाना है, टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम लगाना है, सिंक लगाना है, एंड एक ग्लास का सोना डोर लगाना है। ठीक है सबसे पहले लगा देते हैं ये सारी चीज़ें। यार एक मिनट रुको, ये पूरा दोनों को इधर ही लगाना है अपने को, फिर ये चीज़ तो डिसाइड करनी पड़ेगी। एक रूम तो सोना का अलग से बनेगा और जो बाथरूम है वो अलग बनेगा। आई थिंक ये वाला हमें बाथरूम बना देना चाहिए और यहाँ पर सोना वाला सेट कर देंगे। तो ठीक है इस पर मैं बाथरूम बनाते हैं, तो कोने में लगा दूंगा जो, ये क्या चीज़ है भाई, एक मिनट, ये सोना, एक सेकेंड ये कहाँ से आ गया, हाँ ये एक मिनट, इधर तो सोना का रूम आ गया भाई, एक सेकेंड, फिर यहाँ पर बाथरूम बनाने के लिए कह रहे हैं ये। ओके गॉट इट, इसको इधर लगाना है इसीलिए, ठीक है। बट ये बहुत छोटा है यार इसके लिए भाई। ठीक है अब हमें क्या है, लगा देते हैं, चलो मैं इसको अनस्क्रू करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को डिसाइड करेंगे। गाइस खुल जाओ भाई जल्दी से, सारे स्क्रू खुल जाओ। गाइस आप लोग को शायद थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी के लिए ना जो ये है अपना, मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ ना रिकॉर्ड, तो लैपटॉप में थोड़ी सी उतनी क्वालिटी तो नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा है। पीसी से मैं, मेरा पीसी जब ठीक हो जाएगा तो, मतलब होपफुली मुझे पूरा नया बनवाना पड़ेगा अभी, तो देखते हैं एक दो दिन में बना के मैं फिर पीसी से ही रिकॉर्ड किया करूँगा। लेट्स गो, आई थिंक सही हो गया। यस ये हमारा बाथरूम लग चुका है, मतलब शावर लग चुका है। अब हमें यहाँ पर एक टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम लगाना है, यार जगह बहुत ज़्यादा कम है भाई टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम के लिए भाई। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ भाई, अभी इधर ही लगा दूँ, आई थिंक और तो कहीं पर भी जगह नहीं है, यहाँ पर तो नहीं लगा सकते, यहाँ पर अपने को हैंड वॉश लगाना पड़ेगा, तो फिर मुझे इसको इधर ही लगाना पड़ेगा, यहीं पर लगा देता हूँ। अब हमें इसकी सीट लगानी है, छोटी वाली लगाएंगे यार, बिल्कुल छोटी सी लग जाए तो, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा देते हैं। चलो मैं इसको फटाफट से असेंबल कर देता हूँ, बहुत छोटी जगह है यार बाथरूम के लिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटी भी कहूँ तो बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है आई थिंक थोड़ा सा अगर कोई हेल्दी बंदा आ गया तो फंस जाएगा इसमें आके। चलो अब देखते हैं और क्या है यहाँ पर, एक है भाई सिंक प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है सिंक तो यहीं पर आएगा, सिंक के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको अनस्क्रू करते हैं फटाफट से। ओके चलो सारे नट अनस्क्रू, अब मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर एक सिंक, ये वाला आई थिंक लकड़ी वाला है क्या, लकड़ी वाला सही लगेगा, थोड़ा सा लकड़ी वाला फील आएगा, या ये वाला थोड़ा डार्क है, ये वाला सही लगेगा। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दोनों साइड जगह छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है अब मैं इसको, इसके सारे जो नल है वो लगा देता हूँ। चलो भाई पानी गिरते गिरते बचा है यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला हिस्सा लगा दिया, इधर वाले को इधर, ये भी टाइट कर देते हैं।
अब नीचे अपने को पाइपें लगानी है, ये सबसे नीचे, और यहाँ पर इधर का कनेक्शन, यहाँ पर पाइप, और ये इसको ज्वाइंट करके नीचे इसके, और यहाँ से पानी ऑन, और ये बाहर वाला बक्सा लगा देते हैं, फटाफट हो गया। और ये नीचे थोड़ा सा पानी आएगा, मुझे सफाई करनी पड़ेगी इसकी। चलो एक चीज़ है भाई, यहाँ पर इतनी मिट्टी धूल नहीं है, उतना गंदा नहीं था ये वाला घर। तो अब गाइज यहाँ पर अपने को बनाना है सोना, तो सोना का यहाँ पर क्या क्या है, सोना का जो भाई सोना की टाइल अलग है भाई, हमने देखा नहीं था, सोना वाले रूम की टाइल ही अलग है। ओके ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये थोड़ी सी डार्क है और ठीक लग रही है, मतलब उतनी भी बेकार नहीं है। यहाँ पर एक सोना का हीटर है भाई, ठीक है एक हीटर है, तो मैं इसको इस कोने में रख देता हूँ, आई थिंक पूरी हीट प्रोड्यूस करता होगा इसके अंदर। एक सोना वाला बेंच है जो कि ये कलर में भी सही है, एंड ये कलर थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि ये हमारे उसके साथ मैच हो रहा है, तो मैं इसको मैं रख देता हूँ इस वाले कोने में कुछ ऐसे। और क्या क्या चीज़ें हैं, एक और बेंच है भाई, दो बेंच है, ठीक है दूसरा बेंच मैं इस कोने में रख देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा एक कॉर्नर बेंच है एंड एक बकेट है, ये क्या है भाई। अच्छा इसको तो मुझे लगता है इस पे लगाना होगा, ठीक है थोड़ा मैं ये लाइट कलर का लेता हूँ, एंड इसको ये यहाँ पर लगाना होगा, एक सेकेंड रुको, इसको अपना इस कोने में लगाते हैं यहाँ पर। अब ये हीटर है तो मेरे ख्याल से ना इसको मैं सेंटर में रखूँगा इन दोनों के, तो इसके आजू बाजू बैठ के हीटर लेंगे ना ये लोग, अब वही होता है सोना आई थिंक। और दो कॉर्नर वाले बेंच है, तो कॉर्नर हमारे पास ये आई थिंक इस कॉर्नर में आएगा, मुझे एक मिनट रुकने दो, इसको मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा पहले, और ये वाला जो बेंच था ना ये कॉर्नर में लगाना पड़ेगा आई थिंक, ये दो है तो ये दोनों में एक एक कॉर्नर पे आ जाएंगे, ये एक तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको मुझे थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और इस भाई साहब को भी थोड़ा सा एक बार के लिए यहाँ रख देता हूँ, और फिर ये आएगा इसके साथ, यहाँ पर नहीं आ रहा क्या, ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड अब कॉर्नर वाला बेंच आई थिंक अगर ये मैं सही मेज़र कर रहा होता तो आ जाता, मगर ये नहीं आया यहाँ पर, तो किस तरीके से लगा रहे हैं, आई थिंक एक इस कोने में आएगा ऐसे, नहीं मैंने गलत रोटेट कर दिया, एक सेकेंड इसको फिर मुझे ऐसे लगाना होगा, हीटर तो यहीं पर रहेगा, इसको इधर करना होगा ये ऐसे, एंड ये वाला आएगा इस कॉर्नर में, यस ऐसे आना था ये, और ये बेंच फिर आएगा इस कॉर्नर में बिल्कुल ये ऐसे। हाँ अब बनी बात, अब आएगा ये यहाँ पर, अभी शायद एक और बेंच कुछ तो एक और है, अच्छा ये बकेट है तो इसको हम लगा देते हैं, रुको इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर बैठ के मस्त अपना सोना ले सकते हैं, और फिर इधर नहाने का सही है ना, आई थिंक ये ऐसे ही था, मैंने मेरे ख्याल से सही लगाया, सारी चीज़ें हो चुकी है, सोना वाली सेट हो चुका है। अब चलते हैं ऊपर, और इसको मैं बंद कर देता हूँ गेट को, और नीचे की जॉब हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है गाइस, ये बंद क्यों नहीं हो रहा भाई, बंद हो जा। चलो अब चलते हैं फटाफट से ऊपर, और देखते हैं ऊपर क्या क्या काम है। ऊपर तो एक तो हमने देखा है पूरा हॉल एरिया है, और एक बाथरूम सॉरी बेडरूम है, और एक बाथरूम है, पहले बेडरूम में देखते हैं क्या क्या। बेडरूम में कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, बोला कि सब सही है, बाथरूम में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये क्या चीज़ है भाई, ये वार्डरोब होना चाहिए आई थिंक भाई, खाली रखा हुआ है इसके अंदर कुछ रख दो, खाली पड़ा हुआ है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भाई देखो बहुत ज़्यादा गंदगी है, पहले तो सफाई करनी पड़ेगी अपने को, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पर, डर्ट है पूरा का पूरा, मैं क्लीन कर देता हूँ फटाफट, किचन के तो बुरे हाल है भाई, क्या गंदा हो रखा है, शिट। चलो ठीक है इधर से सफाई हो गई, अब मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें बेचनी है, क्या तीन चीज़ें मुझे बेचनी है, एक तो ये अलमारी पुरानी है, एंड इसके अलावा इसको तो नहीं बेचना है, सोफ़ा भी नहीं बेचना है इसको, या फिर क्या बेचना है, एक चीज़ तो और बेचनी है कोई, तो लैंप है क्या ये, हाँ ये लैंप बेचना है आई थिंक, विंडोज़ वगैरह क्लीन करने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ, थोड़ी सी हवा बहेगी यहाँ से, और विंडो को मुझे क्लीन करना है, मैं पहले क्लीन कर दूँ विंडो को भाई। ओके विंडो क्लीन हो जा फटाफट, चलो ये विंडो क्लीन हो गई, और थोड़ी सी डर्ट बची, अच्छा ये यहाँ पर बची हुई है, एक सेकेंड ये वाला टेबल बहुत गंदा है भाई, ओ सोफ़ा भी बहुत वाहियात है भाई, सोफ़ा इससे अच्छा ड्राई क्लीन करवा लेते। चलो ठीक है हमने ये कर दिया, एक चार विंडोज़ क्लीन करनी है, वो मैं पहले विंडो ही क्लीन कर देता हूँ गाइस फटाफट। इसी के साथ गाइस पूरी विंडोज़ मैंने अभी क्लीन कर दी है, और अब यहाँ पर अपने को एक चॉइस बनानी है, तो हमने एक देखो ये मोहतरमा कह रही है इनको टीवी चाहिए, और एक वो लगाना है नीचे का जो होता है एक
क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉअर टाइप होता है वो लगाना है। बट इस बार हम लोग मोहतरमा की नहीं सुनेंगे, हमने इनके हिसाब से एक चीज़ कर दी, अब हम ये भाई साहब की बात सुनेंगे। इनको एक फायर प्लेस चाहिए, रूम को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ठीक है मुझे इन भाई साहब के हिसाब से चलना है, तो देखते हैं इनको क्या क्या करवाना है। यार मेरे को ये गंदा क्यों लग रहा है, ये गंदा ही है ना भाई, इसका ये टेक्सचर ही ऐसा है। ठीक है अपने को गाइस अब लगाना है यहाँ पर एक सोना, नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक फायर प्लेस लगाना है जो कि काफ़ी बेहतरीन है भाई, $1400 का है। इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये वाला गोल्डन कर दिया मैंने, थोड़ा सा कलर अच्छा लगेगा, बाकी का वाइट है, और इसको ये वाला कलर इसमें अच्छा लग रहा है या ओके ये ऊपर का ये सही लग रहा है, एंड इसको नहीं, इसको तो यही रखते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, नहीं ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, ग्रे भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं सेम भी अच्छा नहीं है, नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड, ब्लैक ही ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है, तो ठीक है इसको हम ना थोड़ा सा एक बार के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बाद में हम इसको शिफ्ट कर देंगे अगर हमें यहाँ पर बाकी चीज़ें सेट ना आई। मैं देख लेता हूँ एक बार सारी चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर, और उसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये तो मैंने डेफिनेटली गलत लगाया है, ऐसे तो नहीं आएगा ये, इसको घुमा के ऐसा लगाना पड़ेगा सो दैट पूरे घर के अंदर रोशनी रहे इसकी, है ना, ऐसे ही आएगा ना ये मेरे ख्याल से। हाँ और ये थोड़ा वॉल के साथ भी, अगर यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, बैठने की जगह भी अच्छी है यहाँ पर, अच्छी बनी हुई है गाइस। ठीक है यहाँ पर हमें एक फ्लावर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें फ्लावर हम चेंज कर सकते हैं, येलो फ्लावर या फिर पिंक फ्लावर, आई थिंक येलो सही रहेंगे, और फ्लावर पॉट का जो कलर है ये कलर लेते हैं, ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको इसके पास तो नहीं रख सकते, वहाँ पर रखेंगे तो भाई दिक्कत ये है कि जल जाएगा वो। कितने रखने हैं ये वैसे, ये फ्लावर दो रखने हैं, तो हम अलग अलग कलर के रखेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और दूसरा इस कोने में जगह खाली है, तो इसमें पर हम कलर दूसरा लगा देते हैं, फूलों का सेम कलर क्यों लगाना है, ये पिंक है या फिर ये थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, पिंक वाला लगाते हैं इसमें, और ये वाला फ्लावर पॉट पॉट का कलर ये रखेंगे, इसको मैं रख देता हूँ इधर, बढ़िया। और क्या क्या ऑप्शन है, ओके यहाँ पर एक झूमर लगाना है जो कि कलर चेंज कर सकते हैं हम, जिसका ये पता भी नहीं लग रहा क्या कलर चेंज हो रहा है भाई, वाइट क्या है, अच्छा इसका कलर वाइट हो सकता है, थोड़ा सा ग्रे ले लेते हैं, नहीं ब्लैक ही ठीक है यार, ये तो ब्लैक ही ठीक है, और जो ग्लासेस हैं उसको थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं, और ये एक लगाना है दो लगाने हैं, ये भी दो लगाने हैं चैंडेलियर्स, तो मैं इसको तो लगा देता हूँ यहाँ पर एक, ये देखो इधर तक पूरी रोशनी हो जाएगी, उस तरफ तो उसकी है ही, और एक मैं लगाऊंगा ये डाइनिंग टेबल के ऊपर यहाँ पर। अब इनको ज़रा ऑन करके देखते हैं भाई इनकी रोशनी कैसी है, कहाँ पर है लाइट, ओके ऑन हो गए, ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, दिन है दिन के हिसाब से ठीक है, इतनी रोशनी है मेरे को, ये टेबल सीधा करके लगाना भाई, टेढ़ा क्यों लगा हुआ ये टेबल, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और क्या बाय करना है, एक दो चीज़ें और थी, ये कारपेट है जो कि कलर मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा, ये कलर फिर भी उससे बेटर है, थोड़ा मीडियम में लेंगे सो दैट पूरे उसमें आ जाए, ये कलर भी अच्छा है। आई थिंक ना हमें थोड़ा सा कुछ तो कलरफुल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज़ें वाइट वाइट हो गई है कमरे के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये कलर ही सही है, सबसे बेटर तो ये लग रहा है, ये वाइट हो जाएगा ये अच्छा नहीं है, ये कलर सबसे सही लग रहा है, तो मैं इसको कुछ सोफ़ा के नीचे लगाना अपने को वैसे भी है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लगा देता हूँ, ये आई थिंक इसकी वजह से नहीं आया मेरे को, ये पूरा इसके नीचे सेट करने के लिए लगाना पड़ेगा यार ऐसे थोड़ी, आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा स्पेस भी होनी चाहिए, और इसको अब हम रख देते हैं यहाँ पर बिल्कुल टच करके, परफेक्ट। अरे भाई ये क्या हो गया ये बिल्कुल सही है गाइस, अब सही लग रहा है, थोड़ा सा देखो हमारे इसके साथ भी थोड़ा सा वाइब जा रहा है इसका, बिल्कुल ऐसा वाइट वाइट नहीं हो गया पूरा घर, है ना। अब और कुछ नहीं बचा भाई, जॉब पूरी डन हो गई क्या हमारी, नहीं क्या, एक मिनट मुझे वो चेक करने दो, यहाँ पर हो गया ये बाथरूम, बेडरूम में कुछ नहीं करना था, बाथरूम में कुछ ऑप्शन था क्या, बाथरूम भी इनका वैसे सही था सब, तो बाकी मेरे ख्याल से हमने ये जॉब डन कर दी है गाइस, आई थिंक डन है, बाकी सारा काम डन हो चुका है, मैं एक बार नीचे फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर बाहर की तरफ भी कोई काम दिया नहीं है, हालांकि ये गार्डन क्लीन करने का मेरा मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो ये घास है ये सब हटाया जा सकता है, बट इन्होंने हमें दिया नहीं तो हम भाई फालतू में क्यों मेहनत करें, है ना, ऐसे भी रात होने वाली है अपने को टाइम से घर जाना चाहिए, तो ये वाली जॉब को मैं डन कर देता हूँ फटाफट, और हम रुको मुझे इसको पहले डन करना पड़ेगा भाई जॉब को, जॉब डन, 99 98% जॉब डन हुई है, ठीक है 98% तो भाई बाकी हमें जॉब दिखाई नहीं कुछ, यहाँ पर देखो भाई क्या चेंजेस करें हमने, बढ़िया लग रहा है ये वाला, उसके अलावा ये वाला जो सोना रूम बना दिया हमने ये भी सही लग रहा है बढ़िया, उसके अलावा ये वाला जो गैराज टाइप था थोड़ा सा, तो इसको हमने बाथरूम बना दिया बढ़िया, बाहर से हम देखेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बाहर से तो कुछ भी कचरा सिर्फ हटाना था वो हमने हटा दिया, लेट्स गो। ये मेरा मेन घर है जो आप लोग देख सकते हो भाई, कितना वाहिया सा लग रहा है, और ये कितना बढ़िया हो गया, अभी अभी देखना अभी मेरा घर आएगा, बाहर से दिखाता हूँ तुम्हें एक बार, ओके एक नया घर अनलॉक हो चुका है, ओ ठीक है बहुत बढ़िया,
देखो हम इस गेम में हम स्टार्टिंग से खेल रहे। देखो अभी भाई वो कितना कचरा सा घर सा, और तो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। पर हालांकि मेरे को थोड़ी सफाई करने की ज़रूरत है, धोने की ज़रूरत है इसको। ओए बेचने का कहाँ से आ गया, इसको थोड़ा धोना पड़ेगा। हाँ ये देखो गंदा हो रखा है भाई यहाँ से। ओके चलो अब हम एक काम करते हैं, एक आधी जॉब कर लेते हैं हमने। देखो एक तो बढ़िया से पैसे कमाई लिया भाई, इधर क्यों जा रहा हूँ मैं बार बार। तो गाइस अभी आप लोग मुझे बताओ एक चीज़, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे पास नेक्स्ट है उसमें मैं ये कोई लग्जरी जॉब करूँ या फिर ये वाली जो सॉरी मेल में जो जॉब आती है ये वाली करूँ, या फिर हमारे पास जो एक घर पड़ा हुआ है ये वाला इसको अपन रेनोवेट करें। मैं तुम्हें एक बार चल के दिखाता हूँ इस घर के अंदर क्या क्या है। ये देखो ये तो भाई बहुत बुरे हाल लग रहे हैं इस घर के। हमने बट जो अपना घर अब जब बनाया था तो मैंने इस पर आई थिंक 6-7 एपिसोड बनाए थे और काफ़ी मेहनत करी थी। आई थिंक ये घर मैंने कर रखा है यार। एक सेकंड, नहीं, भाई ये तो बुरे हाल हो रखे हैं इस घर के। एक सेकंड, ओ भाई इसमें बहुत काम करना बाकी है। तो क्या बोलते हो गाइस, इस घर को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करें क्या? भाई देखो पूरा गंदा हो रखा है, ये वाला पूरा गंदा हो रखा है। इधर एक वॉल बनी हुई है, पता नहीं कैसे इधर किचन बनी हुई है, मगर हमने किचन का और ये वाला एरिया कर दिया था। ओके यहाँ पर सही लग रहा है ये वाला किचन का। देखो हमने किचन वाला स्टार्ट कर रखा है, और ये वाला जो है ये वाला घर थोड़ा सा इधर से पूरा सही करना है। ऊपर का कुछ है क्या? ऊपर का कुछ नहीं है। और ये वाला एक कमरा है, उसके अलावा ये वाला एक कमरा है, ठीक है। और ये दोनों अटैच है एक दूसरे से। यहाँ पर तो आई थिंक ये बाहर जाने का है। यस ये बाहर जाने का है। तो बता देना गाइज मुझे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इन दोनों में से क्या करें, ठीक है। इसका तो सीन ऐसा ही है, ये वाला तो ठीक है ऐसी। बाहर का अगर एरिया देखेंगे तो भाई बाहर थोड़ा बहुत एरिया है, इतना ज़्यादा लंबा एरिया नहीं है, थोड़ा बहुत एरिया दे रखा है। हालांकि हम एक काम करते हैं यार, अभी हम लोग इस घर में आ गए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा कचरा साफ कर देता हूँ मैं पूरे घर का, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। और साफ़ सफाई कर देता हूँ, इतना गंदा घर तो नहीं रखेंगे भाई अपन। अरे ये देखो यहाँ पर तो सीमेंट भी उतरा हुआ है पूरे घर का। पहले मैं पूरा फ्लोर क्लीन कर देता हूँ, काफ़ी गंदा हो रखा है। फिर हम इस घर को बेचेंगे यार, क्या ही मुनाफा होने वाला है अपने को इस घर से। तो पिछली बार हमने ये घर को रेनोवेट करके बेचा नहीं था, हम लोग रहे थे उसमें, बट अभी मैं इस घर को बेचूंगा। ये सारी चीज़ें बेच देते हैं, जो पुरानी खटारा चीज़ें पड़ी हुई है ना इसमें, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। और ये भी गया, ये भी गया, ये सोफ़ा भी गंदा हो रखा है भाई। भाई ये तो वाहिया सोफ़ा है, ये चलता है? ओह चलता है, मगर बेचेंगे इसको, रखेंगे नहीं, ठीक है। ये कचरा उड़ा देते हैं सारा, ठीक है। ओके और यहाँ पर ये नीचे वाले स्विच बोर्ड है भाई, छोटे छोटे वाले, ठीक है, इनको भी हटा देते हैं। अभी ये भी खराब ही है, रेडिएटर लगा रहने देते हैं। और अब मैं इसकी ज़रा सफाई कर देता हूँ, देखो बहुत गंदा हो रखा है ये, ठीक है। फ्लोर पूरा क्लीन हो गया, ऊपर भाई जाले वाले लग रखे हैं पूरे। और अपने को इस घर के दरवाजे भी बेचने ही पड़ेंगे, ये दरवाज़ा बेकार है बिल्कुल। मैं सफाई कर देता हूँ एक बार यहाँ पर, यहाँ पर पूरा अपने को भाई ये वॉल्स को रिपेयर करना पड़ेगा। ये दरवाज़ा भी बेकार है, इसको बेच देते हैं। ओके यहाँ पर भी जाले वाले के बुरे हाल है, देखो सारी वॉल भरी हुई है जो जालों वालों के साथ। और ये तो मुझे इसके ऊपर वो लगाना पड़ेगा, विंडो भी क्लीन करनी पड़ेगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर देंगे। बाहर से कुछ यहाँ पर क्लीन करना है क्या? यहाँ पर तो पूरा क्लीन ही है वैसे, मैं एक बार फिर भी पानी मार देता हूँ पूरा। चलो ठीक है, इधर से ये भाई इसके भी बुरे हाल है। ये सामान पूरा देखो भाई जंग लगी हुई है, पूरा सब एकदम वाहियात तो रखा है चीज़ें। ये भी हटाएंगे, ये दरवाज़ा भी हटाएंगे, ये वाला रखा रहने देते हैं। और बाकी काम की चीज़ें, ये ट्यूब हटा देते हैं। चलो मैं इसको भी साफ़ कर देता हूँ फटाफट, काफ़ी गंदा है ये तो भाई। ऐसी टाइलें कौन लगाते हैं? पुराने ज़माने में लगाते थे ये सब टाइलें यार, आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो चुका है, ये सब टाइलें कौन लगाते हैं? देखो फ्लोर भी लकड़ी वाला लगा रखा है, ठीक है। ये वाला एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया, और ये मैं दरवाज़ा भी हटा देता हूँ। ओके और ये यहाँ पर दरवाज़ा क्यों है भाई? इसको मैं हटा के एक बार इधर कर सकता हूँ क्या? एक मिनट, ये शायद गलती से लगा दिया यहाँ पर, बट ये दरवाज़ा अच्छा है, इसको लगा सकते थे हम, बट अभी के लिए तो ख़राब है। इसको भी हटाते हैं, ये भी कचरा ही लग रहा है, ठीक है। ये वाला कर दिया हमने, ये वाला भी क्लीन कर दिया, ये भी क्लीन हो गया। अब क्या बचा? ये बाथरूम भी कर दिया, इधर वाला तो पूरा हमने कर दिया था। गाइस सही लग रहा है ना वैसे ये। इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये इसका दरवाज़ा भी हटा देता हूँ। और दरवाज़ा कोई बचा है क्या? दरवाज़ा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब हमने वो ये विंडो मैं क्लीन कर देता हूँ भाई, पहले तो ये विंडो क्लीन करनी है। ओके हो जा क्लीन क्लीन क्लीन। चलो ये विंडो क्लीन हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर क्या लगा हुआ है ऊपर? ये लाइटें लगी हुई है भाई, चलती हैं क्या? ठीक है, मगर ये उतनी अच्छी है नहीं लाइटें, इनको मैं हटा देता हूँ। ये देखो एक गली वाला घर है, देखो घर के अंदर एंटर हुए, इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, सामने बाथरूम, कुछ भी अटैच नहीं है ना।
तो आई थिंक इसमें अटैच आएगा भी नहीं, जिस तरीके का ये घर बना हुआ है ना, इसमें अटैच वैसे भी आएगा नहीं। ये भी दरवाज़ा चेंज करेंगे, वैसे मेन दरवाज़ा लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। मैं पहले एक दरवाज़ा लगा देता हूँ मेन डोर, क्योंकि चोरी वोरी होने का खतरा होता है भाई। चलो इसको लगाते हैं दरवाजे को यहाँ पर। ओके भाई, मेन दरवाज़ा लग गया हमारा फाइनली। अब कोई चोरी वोरी का खतरा नहीं है और ये दरवाज़ा काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, अब हम गाइस करेंगे यहाँ से शुरू। एक कमरा, दो कमरा और ये तीन कमरा। ठीक है, ये तीनों कमरों को करना है हमने। और मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है हमने एक बेडरूम बनाना पड़ेगा। इसको देखो कर रखा है, यहाँ पर अपन पेंट करेंगे तो ये वॉल थोड़ी सही हो जाएगी। अभी के लिए खतरा लग रहा है खतरा नहीं, मतलब बेकार लग रहा है। अरे यार, ये कमरा तो साफ ही नहीं किया हमने, जाले लगे हुए हैं इसके ऊपर। ओके, तो इस रूम की दोनों विंडोज़ क्लीन हो गई। अब इस रूम की दोनों विंडोज़ क्लीन करनी है। और ये वाली विंडो भी क्लीन। और इसी के साथ हमारी एक अचीवमेंट अनलॉक हुई है। देखते हैं क्या अचीवमेंट, नहीं स्किल अनलॉक हुई है। देखना पड़ेगा मुझे कौन सी स्किल अपग्रेड हुई है। ओके, क्लीनिंग में हुई है, हम लोग फास्टर हैंड्स। ओके, क्लीनिंग में हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक ये वाली कर लेनी चाहिए, पेनिट्रेशन वाली। चलो हो गया भाई, हमने यहाँ पर सारे घर की विंडोज़ वगैरह क्लीन कर दी। बाथरूम की भी क्लीन है, सही है। इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है तो एकदम ऐसा हवादार हो जाएगा कमरा। इधर की भी एक खोल देता हूँ और इधर को और इधर को भी खोल देता हूँ। लेट्स गो। फाइनली गाइस, हमारा जो घर है अभी रेनोवेशन के लिए पूरा रेडी है। हम लोग को दो कमरे करने, एक बाथरूम करना है और जो लॉबी का एरिया वो वाला करना है रेनोवेट। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे। बाकी गाइस, आप लोगों को जो भी सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना। बाकी लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, insta_GDGaming। मैं मिलता हूँ आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।